हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो आज स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथ्स का मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये स्टूडेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये कॉन्सेप्ट आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। काउंट द ब्लॉक्स टूगेदर विथ रमा। तो यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स दिखाई दे रहे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पे बोला है काउंट द ब्लॉक्स टुगेदर विथ रमा। यहाँ पर देखिए रमा बैठी है, तो ये क्या करिए, पूरे जो ब्लॉक्स है उसको काउंट करिए। राइट द नंबर बिलो द पिक्चर। आपको काउंट करना है ब्लॉक्स को लाइन वाइज, और इस जो सर्कल दिया है नीचे उसमें आपको नंबर्स लिखते जाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इतना करना है। आगे देखते हैं, मेक अ टावर ऑफ गिवन नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ये स्टूडेंट टावर क्या होता है यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि देखिए, जैसे कि बिल्डिंग्स होती है ऊपर 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 जाती, मीन्स उसके जो फ्लोर ऊपर ऊपर होते हैं, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी दिया हुआ है। जैसे 7, 8, 9 ऐसे ऊपर ऊपर फ्लोर के टावर होते हैं, तो वैसे यहाँ पे ब्लॉक्स के टावर बना रखा है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक रखा है और यहाँ पे नंबर 1 ब्लॉक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 1। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 1 के बाद इसने, मतलब जो रमा है उसने 2 ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखा है, तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हो गए, तो आप लिख दीजिए नंबर 2। अब नंबर 2 के बाद 3 ब्लॉक्स, देखिए पहले 1 था फिर 2 हुआ, अब 3 ब्लॉक्स हो गए और ऊपर चला गया है, तो 3 ब्लॉक्स आफ्टर 3 4। सो 1 2 3 4 ये और भी हाइट पे हो गया है, तो ये 4 ब्लॉक्स, फिर 5 1 2 3 4 5, फिर और एक, मीन्स हर फ्लोर हर लाइन में एक 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 एक, एक ब्लॉक बढ़ते जा रहे हैं, मीन्स इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 के आगे 7, फिर 7 में और एक ऐड कर दिया तो 8 ब्लॉक्स हो गए, फिर 8 में और एक ब्लॉक ऐड कर दिया है तो 9 हो गए। मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंड एट 9, 1 से लेके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको 9 ब्लॉक तक दिया हुआ है। तो दिख रहा है आपको स्टूडेंट, इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि छोटा बेबी होता है, तो बच्चा होता है छोटा, फिर धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती है, मीन्स इंक्रीज होती है। आप बोल रहे हैं ना हाइट इंक्रीज हो रही है, तो वही है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, मीन्स जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वो बढ़ते 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 जाते हैं लाइक अ टावर। सो यहाँ पर भी वही चीज है। तो इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, मीन्स आप बोल सकते हैं कि स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग। ओके, इसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, बढ़ना जिसको कहते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप बच्चों से भी, मतलब आप इसको प्ले करके भी कर सकते हो। जैसे कि आप कुछ बच्चों को ले लीजिए हाइट वाइज और उनको खड़े कर दीजिए, तो मतलब बच्चों को समझा सकते हैं कि हाइट वाइज कैसे, देखिए छोटा है फिर उससे बड़ा 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 ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर इंक्रीजिंग ऑर्डर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। We have learned the number from 1 to 9 is increasing order. Okay, यहाँ पे 1 से लेके 9 नंबर तक आपको increasing order में दिया हुआ है। We can write these numbers in a reverse or decreasing order. Yes, अभी increasing order तो I hope आपका clear हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं decreasing order पे। तो decreasing order क्या है student? Decrease means कम होना। Okay? डिक्रीज का एक मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे कि जब हम यंग रहते हैं, फिर धीरे 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 ओल्ड होते जाते हैं, तो हम और झुकते जाते हैं, तो वो हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाइट और नीचे 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 झुकते जाते हैं, दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑब्जर्व द नंबर रिटर्न इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, जैसे कि कोई चॉकलेट है, चॉकलेट है आधा खाया आपने, फिर खाया फिर खाया, तो वो क्या डिक्रीज होता जाता है ना, कम होता जाता है। डिक्रीज मीन्स कम होना, मीन्स आप बोल सकते हो कि बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल। ओके, मीन्स इंक्रीजिंग मीन्स स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा होना, और डिक्रीजिंग मीन्स बिग टू स्मॉल, डिक्रीज मीन्स कम होना। ओके, तो कम 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 होते, जैसे आप चॉकलेट लिए उसको खाते जा रहे हो, तो वो धीरे 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 डिक्रीज होता जाता है, तो वही है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसके थ्रू आप याद रख सकते हो हमेशा। बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग स्मॉल टू बिग है या बिग टू स्मॉल है। तो ये जो अगर आप ये एग्जाम्पल अपने माइंड में सेट कर लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि इंक्रीजिंग, जैसे कि हाइट बढ़ती है तो बढ़ता है डिक्रीजिंग, आपको चॉकलेट खा रहे छोटा होता जा रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है। सो
इंक्रीजिंग मीन्स स्मॉल टू बिग और डिक्रीजिंग मीन्स बिग टू स्मॉल, बस आपको इतना ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द नंबर्स रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यस, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको नंबर दिया है, चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 7 नंबर है। अब 7 से देखिए डिक्रीज हो गया 1 तो 6 हो गया, फिर 6 से और 1 डिक्रीज हो गया तो 5 हो गया, 5 से और 1 डिक्रीज हो गया तो 4 हो गया, 4 से और 1 डिक्रीज हो गया तो 3 हो गया। मैं आपको इस फिंगर से भी बताती हूँ तो इससे भी आपको इजी होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 7 फिंगर है, तो 7 है, फिर मैंने और एक रिमूव कर दी तो कितनी हो गए 6, फिर 1 रिमूव कर दिया 5, फिर 1 रिमूव किया 4, 1 रिमूव किया 3, 1 रिमूव किया 2, फिर 1 रिमूव किया 1। ओके, तो इस तरीके से मतलब आपका डिक्रीज होते जा रहा है, तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है देखते हैं। राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स आपको मीन्स छोटे से बड़े नंबर तक जाना है। तो देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 के आगे क्या आएगा 6, 7, 8 एंड 9। ओके, ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। 5, 6, देखिए इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना, 5 से 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। जैसे ये ब्लॉक्स में था, देखिए 7, 8, 9, यहाँ पर भी वही है, ये लीफ नंबर दिए हुए, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब सेम आपको यहाँ पे डिक्रीजिंग दिया है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर 9 नंबर हमको फर्स्ट दिया है, तो 9 का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, 9 के बाद 8, 1 कम कर दिया 8, फिर 1 कम कर दिया तो 7, फिर 1 कम कर दिया तो 6, फिर 1 कम किया तो 5। ओके, तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पे आपको आई होप इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।